ऐसा लगता है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अब आजमगढ़ में जमने के मूड में है। निरहुआ के दिल में 2019 की हार सुलग रही है और अब अगली बार वो अखिलेश को हराने के लिए बेताब है। जी हाँ, और निरहुआ ने इसकी गुपचुप तैयारी भी शुरू कर दी है और 2024 के लिए निरहुआ की तैयारी का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर। निरहुआ कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मिल रहे हैं और मिलने के पीछे मकसद है आजमगढ़ के युवाओं में रोजगार बांटना। जी हाँ, इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए निरहुआ ने लिखा, कौशल विकास मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से मुलाकात कर आजमगढ़ के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने को लेकर चर्चा, #BJP4Azamgarh। साफ सी बात है कि चुनाव हारने के बाद निरहुआ की निगाहें आजमगढ़ पर टिकी है। वो जानते हैं कि इलाके के नौजवानों को रोजगार के जरिए जोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में हुई टक्कर में निरहुआ ने अखिलेश यादव को अच्छी चुनौती दी थी। आजमगढ़ अखिलेश का पुराना गढ़ है, फिर भी निरहुआ को वहां से अच्छे खासे वोट मिले। ऐसे में निरहुआ अब उन जगहों पर फोकस कर रहे हैं जहां वो पिछली बार कमजोर रहे, ताकि अगले चुनाव में वो अखिलेश यादव को करारी मात दे सके। कौशल विकास मंत्री से मिलने के पीछे निरहुआ का फोकस इसी बात पर है कि वो इलाके में नौजवानों के लिए कुछ कर सके। निरहुआ ने चुनाव हारने के बावजूद कहा था वो आजमगढ़ छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त तो ये चुनावी जुमले जैसा लगा था, लेकिन जिस तरह निरहुआ अभी भी जमीनी स्तर पर एक्टिव है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि 2024 के लिए निरहुआ के इरादे काफी मजबूत हैं। पूर्वांचल लाइव की रिपोर्ट।